So students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. In previous classes, I have discussed about the Kala-azar, it's the causative organism, what are the signs and symptoms of Kala-azar, and what is the mode of transmission in Kala-azar. So basically, wo sab discuss karne ke baad, in this class, I will discuss about the various diagnostic part and treatment part of Kala-azar. तो जानना ज़रूरी है कि पहले क्लिनिकली अगर पेशेंट आता है आपको बोल रहा है कि सर हम मुझे बहुत फीवर है और लगभग मैंने ये फीवर जो है मुझे दो मंथ से है स्लो ग्रोइंग होता है टू वीक से है और ये फीवर उतरता है चढ़ता है और साथ ही साथ मैंने मलेरिया का दवाई भी खा लिया एंटीबायोटिक भी खा लिया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके आएगा कि टू वीक तक लगातार फीवर है कभी होता है कभी उतर जाता है कभी होता है साथ ही साथ मुझे जो है ये मैंने मलेरिया और एंटीबायोटिक भी खा लिया है लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे तो कुछ फाइंडिंग करेंगे हम CBC अगर हेमाटोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे तो हमको कुछ चीज़ें दिखेंगे जैसे हमको अनीमिया दिखेगा आयरन की कमी लिकोपीनिया दिखेगा WBC काउंट कम होगा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया दिखेगा मतलब कि प्लेटलेट का कमी हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया दिखेगा और साथ ही साथ WBC RBC रेशियो जो है वो बहुत कम होगा 1:1500 और इवन दो 1:2000 ये बढ़ते जाता है तो ये अच्छा नहीं है ये कंडीशन WBC और RBC रेशियो जो है वो बहुत ख़राब होगा 1:1500 और 1:2000 और ESR भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो एक ये क्लिनिकल मार्कर है जो कि शो करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन्फेक्शन है और किसी भी इन्फेक्टेड कंडीशन में पेशेंट है तो ESR बढ़ा हुआ होगा तो ये सारे हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग दिखेंगे एनेमिया होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा लिकोपिनिया होगा गामा ग्लोबुलिनीमिया होगा और WBC रेशियो ख़राब रहेगा और ये सार बढ़ा रहेगा तो ये तो हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग दिखेगा लेकिन ये सारी चीज़ें दूसरे डिजीज में भी दिखती है दूसरी प्रॉब्लम्स में भी दिखती है तो हम एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं जाते हुए एक सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगे ताकि हमको पता चले कि भाई ये किस वजह से है किस बैक्टीरिया की वजह से है वायरस की वजह से किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट करेंगे डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको हम डैट बोलते हैं और एलाइजा करेंगे RK39 डिपस्टिक एंड एलाइजा भी जो है वो बहुत ही कन्फर्मेटरी टेस्ट है सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए इससे ये हम लिस्मेनिया डोनोवैनी जो है वो पता कर पाएंगे कि यही एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि ये कालाजार कॉज कर रहा है तो ये सारी चीज़ें जब डायग्नोस्टिक पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे हम पता कर लेंगे कि नान ये सारी प्रॉब्लम के हैं क्यों है लिस्मेनिया डोनोवैनी की वजह से है तो सरकार ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स निकाले हैं बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करने बोले बहुत सारे चीज़ों को कि बहुत डेथ्स हो रही थी तो इसको ठीक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है बहुत सारे हॉस्पिटल जो है इसको ये रिकमेंड कर दिया गया है कि ये कालाजार के लिए स्पेशलिस्ट है जैसे दरभंगा DMCH को कालाजार के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माना जाता है तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला जिससे डेथ रेशियो बहुत डिक्लाइंड हुआ साथ ही साथ DTT ये सब का छिड़काव ताकि सैंड फ्लाई जो कि इसका फिलोबोटामाइन जो इसका फीमेल सैंड फ्लाई जो इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होती है जो एक हेल्दी पर्सन दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट करती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वैक्टर का काम करती है उसको रोकना उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही एक कॉजेटिव ऑर्गेन ज़्यादा से ज़्यादातर वही कॉज करती है तो DDT वगैरह का छिड़काव किया गया है साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन जहाँ भी सैनिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है आसपास के एरियाज में और जो भी वीकर सेक्शन के गरीब लोग हैं उनके उनके आसपास भी बहुत सारा सैनिटाइजेशन किया गया ताकि ये कालाजार जो है उस पर रोकथाम किया जाए इसको कंट्रोल किया जाए लगभग 1985 के आसपास ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन प्रोड्यूस करता था लेकिन आपके कंडीशन सिनेरियो में थोड़ा सा सैनिटाइजेशन इम्प्रूव होने की वजह से ये जो इसके जो डेथ के रेशियो या इसके
मॉर्बिडिटी रेट में बहुत कमी आई है। अब आते हैं कि इसमें कौन सा मेडिसिन चलता है, तो ये स्लो ग्रोइंग है, लॉन्ग टर्म का चलता है, कम से कम एक दो दिन की मेडिसिन कोई भी नहीं होता इसमें, 10-20 दिन का, 4 वीक का, 3 वीक का मेडिसिन चलता है। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ये जो है 10 mg पर kg बॉडी वेट 20 दिन के लिए देंगे, पर 10 mg पर kg बॉडी वेट, इसका मतलब ये नहीं कि 10 mg पर kg भी लिखा हुआ है, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि 50 kg का वजन है तो 500 mg होगा, अगर 60 kg का है तो 600 mg होगा, उसी हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से 20 दिन तक ये लगातार चलता है। और साथ ही साथ पेंटाडीमाइन आइसीथियोनेट जो है वो 3 mg पर kg बॉडी वेट 10 दिन के लिए चलता है, और एम्पोथ्रीन बी ये 1 mg पर बॉडी वेट, अल्टरनेट डे पे इसका इंजेक्शन लगता है, जैसे आज लगा तो कल नहीं लगेगा, फिर परसों लगा तरसों नहीं लगेगा, तो अल्टरनेट डे पे इसका इंजेक्शन जो है वो पड़ता है। याद रखिएगा मैं जो भी डोजेज बता रहा हूँ वो पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जिस वेट का पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके डॉक्टर जो है एक डोजेज का फॉर्म बनाते हैं, उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। एक स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकता कि 500 mg ही चलाना है, 600 mg चलाना है, पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका जो है डोजेज पार्ट में बता रहा हूँ। साथ ही साथ माइल्टोसिन जो है वो 2.5 mg पर बॉडी वेट जो है वो चलता है लगभग 4 वीक तक। तो इन सारे मेडिसिन के साथ साथ बॉडी वीकनेस महसूस करता है, फटीग हो जाता है बॉडी ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट बचने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे एंजाइम आप ऐड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो भूख को बढ़ाए साथ ही साथ ताकत लाए, क्योंकि वीकनेस बहुत ही एक मेजर फैक्टर रोल करता है कालाजार में, बहुत ज़्यादा दिन तक पेशेंट बीमार होता है, फीवर होता है तो वीकनेस हो जाता है उनके अंदर, तो उसको फ्लूड रिप्लेसमेंट के जरिए या फिर खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जिससे ताकत मिले, ये सारी चीज़ें करके आप कालाजार से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ये एक डेडली फैटल डिजीज़ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, ये स्लो ग्रोइंग है, स्लो ग्रोइंग ज़्यादा किलिंग होता है, जहर की तरह काम करता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। डैट्स ऑल फ्रॉम माई स्लाइड, और नेक्स्ट क्लासेस में हम कोई और डिजीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कितना मिनट हुआ?